हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोरो प्लस की कुछ बातें। ना फ्रेंड्स, ये 10 रुपीज़ की एक छोटी सी जार परचेज़ की है मैंने। एंड जो लोग अफोर्डेबल प्रोडक्ट देख रहे हैं, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है और जो कोई अफोर्डेबल रेंज में देखना चाहता है, तो ये प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं गाइज। ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज वैसलीन के बाद जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है वो ये प्रोडक्ट है। स्पेशली जब विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब मेरी जो लिप्स होते हैं, लिप्स एक्चुअली ड्राई नहीं होते, लेकिन लिप्स के जो साइड का एरिया होता है ना, जैसे कि लिप्स के जो एजेस होते हैं या नोज़ के पास जो होता है, वो इतना ड्राई हो जाता है कि मैं आ नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा ड्राई होता है। सो वो टाइम पे ना मुझे कोई भी प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं होता। ये अगर मैं 2 दिन भी लगाऊँ ना, इमीजिएटली मेरा जो ड्राइनेस है वो कम हो जाता है और बहुत राहत मिलती है। ये लगाने के बाद तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा गर्म फील होता है, बहुत ही राहत मिलती है फ्रेंड्स। तो जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के इश्यूज़ हैं ना, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रोडक्ट बता देती हूँ। ये देखिए मैंने कितना यूज़ किया है, ऑलमोस्ट मतलब ये ख़त्म होने को आया है। ये इस तरीके की क्रीम में आता है, वाइट। इसकी जो खुशबू थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो जिनको स्ट्रांग खुशबू पसंद नहीं है वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है कि आप इसे इरिटेट हो जाओगे, वैसे भी नहीं है। देखिए कितनी मॉइस्चराइजिंग है ये। थोड़ी सी भी अगर आप क्वांटिटी लोगे, ये इजीली आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन ये ऑयल फ्री नहीं है, ये ऑयली है, तो ऑयली स्किन वाले इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले इसे बहुत ही ज़्यादा, अगर चैप्ड हो गई है, आपकी स्किन बहुत छिल गई है या होड़ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, बहुत इरिटेशन हो रही है, तो उस एरिया पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही राहत मिलेगी आपको। सेकेंड इसका यूज़ ये है गाइस कि अगर आपके कोई भी जले हुए मार्क्स है या आपकी अगर स्किन जल गई है, बर्न हो गई है, तो तुरंत ठीक कर देती है। ये देखिए मेरा रीसेंट बर्न है ये, एंड ये कल ही हुआ था मेरा स्किन बर्न। मैंने इस पर बोरो प्लस लगाया एंड फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है इसमें। मुझे कल ही ये बर्न हुआ था, थोड़ा सा जलन हुई मुझे बोरो प्लस लगाने पे, लेकिन ये ज़ख्म बहुत जल्दी भर गई। सो फ्रेंड्स, मैंने पर्पसली ये वीडियो इसीलिए बनाया बिकॉज कल ही मेरी स्किन जली थी, एंड मैं आपको बताना चाहती थी कि ये क्रीम रियली इफेक्टिव है। ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम भी है, तो बर्न मार्क्स, वोंड्स वगैरह पे भी आप इसे लगा सकते हैं। आपको एक बॉटल बोरो प्लस के घर पे ज़रूर रखनी चाहिए गाइस। इसकी और एक कमाल की बात ये है फ्रेंड्स कि इस पे इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको नहीं दिखेगी, तो इन्होंने 10 रुपीज़ के पैक पे भी इंग्रेडिएंट लिस्ट को मेंशन करने नहीं भूले ये। लाइक यहाँ पर आपको बस इसे टैग करना है इस तरीके से, एंड यहाँ पर पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट इन्होंने मेंशन की है, जो बहुत तारीफ़ काबिल है 10 रुपीज़ में। और ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो काफ़ी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। देखिए यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशनड है, सारे हर्ब्स मेंशनड है। ये एक ऑइंटमेंट बेस में आता है, ऑब्वियसली ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, तो ये ऑइंटमेंट बेस में ही आएगा। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो गाइस, वंडरफुल प्रोडक्ट है, मतलब इतना कोई भी नहीं करता कि यू नो 10 रुपीज़ के पैक पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करना। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, तो आपको भी ये क्रीम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, या अगर आप यूज़ नहीं भी करना चाहते हैं तो आप एक ड्रॉअर में ज़रूर रखिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ हो। ये क्रैक्ट, अगर आपके हील्स क्रैक्ट है, आपके पैर क्रैक्ट है, तो आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप मैनिक्योर वगैरह करते हो तो मैनिक्योर करने के बाद आप ये क्रीम मॉइस्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यूज़ेस है इसके। तो फ्रेंड्स, ये थी बोरो प्लस की कुछ बातें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।